हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल लारी फूड अब एंड आई एम इंशा लारी एंड टुडे आई एम शेयर विद यू ब्रेड व्हील रेसिपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड व्हील बनाना। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब ये स्नैक डिश है। आई नो आपको भी इवनिंग स्नैक्स बहुत पसंद होंगे, सो मैंने सोचा आपके लिए कुछ यम्मी यम्मी लेके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और उसको हीट करेंगे। जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक कटा हुआ प्याज। नेक्स्ट यहाँ मैं 2 से 3 हरे मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप और तीखा पसंद कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्चा और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे 2 से 3 मिनट तक। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सब्जी मसाला ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो आप इसमें खटाई पाउडर और एक्स्ट्रा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है टर्मरिक पाउडर। नेक्स्ट यहाँ मैंने बॉइल्ड पोटैटो ऐड किया है। यहाँ मैंने 6 से 7 उबले हुए आलू का मैश बना के उसको मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे और हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे। इसमें हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। नेक्स्ट अब हम ब्रेड को कट करेंगे। यहाँ मैं ग्लास की हेल्प से कट कर रही हूँ। आप प्याली से या अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर का भी यूज कर सकते हैं, प्याली से कर सकते हैं। यहाँ मैं ग्लास की हेल्प से ब्रेड को सर्कल में कट कर रही हूँ। सेम प्रोसेस करते हुए हम अपने सारे ब्रेड को कट कर लेंगे और ये जो साइड से ब्रेड निकल रहे हैं वेस्ट नहीं होंगे। आप इसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं और 1 से 2 महीने तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं। कोई भी खाने वाली चीज वेस्ट नहीं होती, बस आप उसका यूज करना आना चाहिए। मैंने यहाँ सारे ब्रेड कट कर लिए हैं, अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। ब्रेड की एक साइड पे 1.5 टीस्पून जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको ऐड करेंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अगर आपको स्टफिंग और ऐड करनी है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, पर हम ज्यादा नहीं ऐड करेंगे जिससे कि हमारे ब्रेड फिर ब्रेक हो सकते हैं। अब हम दूसरे साइड के ब्रेड को इस पे रख देंगे और उसको हाथ से हल्के हल्के हाथों से टैप कर देंगे। सारे हम ब्रेड को ऐसे ही कवर कर देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम घी से ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे आप बटर का या रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। राउंड राउंड करके हम थोड़ा थोड़ा सा इसको घुमा के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ज्यादा हम इसको प्रेस नहीं करेंगे जिससे कि ये हमारे ब्रेड भी ब्रेक हो जाएं। दोनों साइड से हमें इसी तरह अपने सारे ब्रेड को फ्राई कर लेना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से फ्राई करना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है। सेम प्रोसेस करके हमको अपने सारे ब्रेड व्हील को अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने ब्रेड को फ्राई करके रख लिया है। यहाँ मैंने 1 प्लेट में टमाटो सॉस और 1 प्लेट में आलू भुजिया नमकीन रखनी है। हमें राउंड राउंड करके पहले तो हमें इसमें टमाटो सॉस की कोटिंग करनी है, फिर सेम प्रोसेस करते हुए हमें घुमा घुमा के उसमें आलू भुजिया नमकीन ऐसे लगानी है। ऐसे ही हमको अपने सारे ब्रेड में कर लेना है। आई होप आपको ब्रेड व्हील की रेसिपी पसंद आई होगी। ये एक स्नैक रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है स्नैक की, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।